अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गॉल्जी टेंडन ऑर्गन्स एंड मसल स्पिंडल्स, और किस तरह से ये रिलेट करते हैं हमारे ऑटोजेनिक इनहिबिशन में, रेसिप्रोकल इनहिबिशन में, स्ट्रेच रिफ्लेक्स में, या जितनी भी PNF टेक्निक्स हैं। तो इन दो स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है, हम इसको ब्रीफली देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि GTO और मसल स्पिंडल्स होते क्या हैं और इनका काम क्या है। सबसे पहले अगर हम GTO और मसल स्पिंडल्स दोनों को कंबाइन करके समझें तो ये बेसिकली मैकेनोरिसेप्टर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं फ्रॉम CNS, इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं CNS को ये बताते हुए कि मसल टेंडन यूनिट पर क्या हो रहा है। दो चीज़ों को सेंस करते हैं, एक हमारे पास सेंस करते हैं चेंजेस इन मसल टेंशन, और एक चीज़ होती है हमारे पास मसल लेंथ, कि मसल लेंथ कम या ज़्यादा हो रही है इस इंफॉर्मेशन को CNS तक पहुंचाना है, और मसल टेंशन कम या ज़्यादा हो रही है इस चीज़ को हमारे पास CNS तक इसको पहुंचाना है। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये क्लियर करें कि जब भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सपोज़ हम एल्बो को बेंड कर रहे हैं, एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, तो जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करता है, पीछे फिजियोलॉजी क्या है। तो हमारे पास जो बाइसेप की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसको CNS से कोई मोटर सिग्नल आए, और जो CNS से मोटर सिग्नल आता है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कि हमारे मोटर कॉर्टेक्स से ट्रैक निकलता है मेडुला के लेवल पे, पायरामिड्स के लेवल पे वो डिकसेट करता है, ऑपोजिट साइड पे आता है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, जो ये जहाँ पे ये ब्लू ख़त्म हो रही है लाइन, यहाँ पे आके इस जगह पे आके वो टर्मिनेट करता है, लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है जो कि अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन है, और अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल लेके आपके मसल के पास जाके मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। इसको दोबारा देखें कि कॉर्टेक्स से, हमारे मोटर कॉर्टेक्स से हमारे पास सिग्नल निकला मेडुला के लेवल पे, पायरामिड्स के लेवल पे, ऑपोजिट साइड पे आया, स्पाइन नीचे ट्रैवल किया स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर अल्फा मोटर न्यूरॉन पे ये टर्मिनेट हुआ अपर मोटर न्यूरॉन, यहाँ से अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ और सिग्नल हमारे पास गए मसल्स के पास और मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो हमारे पास जो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू होती है, और अल्फा मोटर न्यूरॉन के ऊपर हमारे पास जो इन्फ्लुएंस आता है मोटर कॉर्टेक्स से, जो अपर मोटर न्यूरॉन है वहाँ से आता है। जो दो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ना चाह रहे हैं मैकेनोरिसेप्टर्स, उसमें द फर्स्ट वन इज़ मसल स्पिंडल एंड द सेकेंड वन इज़ गॉल्जी टेंडन ऑर्गन। तो हमारे पास जो मसल स्पिंडल है वो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ लोकेटेड विद इन द मसल बेली इन बिटवीन इंट्राफ्यूजल फाइबर, और जो हमारे पास GTOs हैं गॉल्जी टेंडन ऑर्गन्स, दे आर लोकेटेड नियर द टेंडन्स और विद इन द टेंडन इन द एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। इस इमेज के अंदर देखें तो आपको ये क्लैरिफाई होगा कि जो GTO हैं वो हमारे पास इस टेंडन यूनिट के पास हैं, और जो हमारे पास मसल स्पिंडल है वो मसल बेली में है, और ये हमारे पास दीज आर द एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर और दीज आर द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। अब हम इनको दोनों को अलहदा से देख लेते हैं कि GTO, सबसे पहला सवाल कि व्हाट आर GTOs, GTOs आर सेंसरी ऑर्गन्स, इनकी लोकेशन कहाँ है, दे आर लोकेटेड इन मस्क्यूलो टेंडनस जंक्शन ऑफ एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, इनका फंक्शन दे मोनिटर चेंजेस इन टेंशन ऑफ मसल फाइबर्स। ये मेन पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि हमारे पास जो गॉल्जी टेंडन ऑर्गन्स हैं दे डिटेक्ट द चेंजेस इन मसल टेंशन, आगे जाके हम मसल स्पिंडल को पढ़ेंगे तो दे डिटेक्ट द चेंजेस इन मसल लेंथ, और GTO का ताल्लुक हमारे पास मसल टेंशन के साथ है। हाउ डू दे ट्रांसमिट सिग्नल्स वाया टाइप 1B फाइबर्स, इसको हम आगे चल के देखेंगे कि सिग्नल ट्रांसमिशन से हम क्या मुराद लें। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि जब भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो मसल टेंशन है वो इंक्रीज करती है। सपोज हम बाइसेप को यूज़ कर रहे हैं, हम एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो द फर्स्ट थिंग विल हैपन दैट देयर वुड बी इंक्रीज इन मसल टेंशन। जब ये इंक्रीज इन मसल टेंशन होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा GTO है, हमने डिस्कस किया कि इट डिटेक्ट्स अ चेंजेस इन मसल टेंशन, ये स्टिमुलेट होगा। जब ये स्टिमुलेट होता है ये सिग्नल भेजता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को वाया 1B फाइबर्स, और इसका सिग्नल अल्फा मोटर न्यूरॉन पे इनहिबिशन कॉज करवा देता है, जो कि अभी हमने पीछे देखा था कि अल्फा मोटर न्यूरॉन इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन इनहिबिट हो जाता है तो हमारे पास जो मसल स्टिमुलेशन जो अल्फा मोटर न्यूरॉन करवा रहा था वो भी डिक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास मसल टेंडन यूनिट के अंदर जो टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है, और हमारे पास रिफ्लेक्सिव मसल रिलैक्सेशन आती है। इसको हम
इस इलस्ट्रेशन के अंदर समझने की कोशिश करें तो जब हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो GTO स्टिमुलेट हुआ, GTO स्टिमुलेट हुआ, इन्होंने Group 1B एफरेंट फाइबर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजी आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। स्पाइनल कॉर्ड से इनहिबिटरी सिग्नल आया अल्फा मोटर न्यूरॉन पे जो कि आपके मसल को स्टिमुलेट कर रहे थे। जब अल्फा मोटर न्यूरॉन इनहिबिट हुआ तो आपके जो मसल हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। इसी रिलैक्सेशन को हम ऑटोजेनिक इनहिबिशन भी कहते हैं, जो कि हमारे पास फिजियोथेरेपी के अंदर PNF टेक्निक्स में जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसके अंदर ये फिनोमिना हम यूज़ करते हैं। द सेकेंड टॉपिक इज मसल स्पिंडल्स। सबसे पहले कि मसल स्पिंडल्स हैं क्या, दे आर द स्मॉल इनकेप्सुलेटेड सेंसरी रिसेप्टर्स दैट कंटेन्स एफरेंट एफरेंट फाइबर्स एंड स्पेशलाइज मसल फाइबर्स कॉल्ड इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इनकी लोकेशन दे लाई बिटवीन द पैरल दे लाई बिटवीन एंड पैरल टू एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स। इनका फंक्शन दे डिटेक्ट चेंजेस इन मसल लेंथ। यहाँ पे आप दोबारा रिकॉल करें कि हमारे जो GTOs थे दे वर डिटेक्टिंग चेंजेस इन मसल टेंशन, और जो हमारे पास मसल स्पिंडल्स हैं दे आर डिटेक्टिंग चेंजेस इन मसल लेंथ। हाउ डू दे ट्रांसमिट सिग्नल्स वाया प्राइमरी Type 1A एफरेंट एंड सेकेंडरी Type 2 एफरेंट फाइबर्स। GTOs हमारे Type 1B एफरेंट फाइबर्स के थ्रू सिग्नल्स भेज रहे थे, और जो ये हैं ये Type 1A एंड सेकेंडरी Type 2 एफरेंट फाइबर्स। मसल स्पिंडल्स के दो इफेक्ट्स हैं, वन इफेक्ट इज ऑन एगोनिस्ट एंड द अदर इफेक्ट इज ऑन एंटेगोनिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो मसल स्पिंडल है उसका एगोनिस्ट पे क्या इफेक्ट है। तो एगोनिस्ट पे इफेक्ट ये है कि जब चेंज होगी मसल लेंथ, कि अगर हमने बाइसेप को यूज़ किया है, बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और एल्बो हमारी फ्लेक्स हो रही है और बाइसेप हमारा शॉर्टनिंग के अंदर जा रहा है तो मसल लेंथ चेंज हो रही है। मसल लेंथ चेंज होने की वजह से आपका मसल स्पिंडल स्टिमुलेट होगा, मसल स्पिंडल स्टिमुलेट होगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजेगा वाया Type 1A एंड Type 2 फाइबर्स। ये जो सिग्नल्स हैं ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पे साइनेप्स करेंगे और ये इसको एक्साइट करेंगे। GTO के केस में दे वर इनहिबिटिंग द अल्फा मोटर न्यूरॉन, मसल स्पिंडल के केस में एगोनिस्ट के ऊपर दे विल एक्साइटेड। जब हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्साइट होंगे तो ऑब्वियसली दे विल रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर्स, और जब मसल फाइबर्स स्टिमुलेट होंगे देर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें हमें मिलेगी रिफ्लेक्सिव मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास जो एगोनिस्ट ग्रुप है उसके ऊपर मसल स्पिंडल मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जो हमारे पास इसका दूसरा इफेक्ट है ऑन द एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट के अंदर हमारे पास सिग्नल जब जाएगा मसल स्पिंडल स्टिमुलेशन से Type 1A एंड Type 2 फाइबर से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को इनहिबिटरी सिग्नल्स देगा और एंटेगोनिस्ट मसल की इनहिबिशन करवाएगा, और हमारे पास जो एंटेगोनिस्ट मसल है वो रिलैक्सेशन के अंदर जाएगा। इस फिनोमिना को हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं, कि जब हम किसी एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और उसका जो एंटेगोनिस्ट मसल है वो रिलैक्स कर जाता है, इसको हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ऑटोजेनिक इनहिबिशन के अंदर आपका जो रोल है वो GTO का है, और रेसिप्रोकल इनहिबिशन के अंदर जो आपका रोल है वो मसल स्पिंडल का है। इसको हम इस इलस्ट्रेशन में देखें, द इफेक्ट ऑन एंटेगोनिस्ट। तो जब हमारे मसल स्पिंडल स्टिमुलेट हुए तो Group 1A एफरेंट से सिग्नल गए हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड पे अल्फा मोटर न्यूरॉन के ऊपर एक्साइटेटरी सिग्नल आए जिससे हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर स्टिमुलेट हुए और मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई। जब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल इनहिबिशन की, जो कि एंटेगोनिस्ट मसल पे होगी, उसमें हमारे पास मसल फाइबर से सिग्नल निकलेंगे। जब मसल स्पिंडल स्टिमुलेट होगा तो सिग्नल्स जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से नेगेटिव सिग्नल आएगा आपके अल्फा मोटर न्यूरॉन के पास। यहाँ पे नेगेटिव मेंशन नहीं है, इसको याद रखिएगा कि नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे मसल की रिलैक्सेशन होगी जिससे हमारे पास रेसिप्रोकल इनहिबिशन होगी। यहाँ पे स्ट्रेच रिफ्लेक्स दिखाया गया है, जिस तरह फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास क्लिनिक्स के अंदर या एजुकेशन पर्पजेस के लिए नी जर्क रिफ्लेक्स दिखाया जाता है, तो उसके अंदर दिखाया हुआ है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जब भी हम हैमर को स्ट्राइक करते हैं क्वाड्रिसेप टेंडन पे तो हमारे पास सिग्नल्स जाते हैं 1A एफरेंट न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वो सिग्नल्स स्टिमुलेट करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को जिन्होंने आके एट द एंड स्टिमुलेट करना होता है क्वाड्रिसेप्स को। तो इधर आपने हैमर को स्ट्राइक किया, सिग्नल्स गए 1A एफरेंट न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के पास, अल्फा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, अल्फा मोटर न्यूरॉन ने आपके क्वाड्रिसेप्स को स्टिमुलेट किया, और दैट विल लीड टू
नी एक्सटेंशन।